न्यूज वाले जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। आपने आज 1.5 महीने बाद हम लोगों की सुध ली कि चलना चाहिए हमें मंडी, मटर के रेट इतने कम क्यों हैं, या आपने किसी सरकारी मुलाजिम से या सरकारी अधिकारी से पूछा कि ये अव्यवस्थाओं का कारण क्या है? आप भी अपना एक फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं, फॉर्मेलिटी निभाएंगे, कल एक न्यूज़ देंगे, एक पेपर में न्यूज़ देंगे अव्यवस्था मटर के सीजन में किसान और व्यापारी भाई एक अव्यवस्थाओं का शिकार। यहाँ कितनी टॉयलेट है आज तक नहीं आया, उनको नहीं पता नहीं। किसानों को पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं, आपके न्यूज़पेपर में जरूर आता है, आज भी आया है। आए दिन झगड़ा की स्थिति बनती है, किसी गाड़ी ने किसी गाड़ी वाले को ठोक दिया, उसका नुकसान हो गया, उनके वापस में जाओ, उनके केबिन में जाओ तो उनका चपरासी बस बैठा रहता, पंखा और लाइट चालू रहती है, सचिव साहब की कुर्सी हवा खाती रहती है, उसकी हकीकत केवल दिखावा है। जैसे एक नारा था ना, न खाएंगे ना खाने देंगे, वो एक दिखावा था, वही मटर की ब्रांडिंग का एक केवल दिखावा है कि आपने जबलपुर में मटर का हब होने के कारण, मटर का एक बहुत बड़ा हब है, आपने किसान की आमदनी मटर के कारण दुगनी हो, जो बड़े बड़े भाषण दिए जा, उसके लिए आपने क्या किया? यह जबलपुर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, उसका इसका जवाब वो आपको बहुत सटीक दे पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की कृषि उपज मंडी पे, जहां पर मटर की आवक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसानों को उनके मटर का सही तरीके से मूल्य और साथ ही साथ यहां पर जो मंडी की व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएँ हैं, वो काफ़ी व्यापक तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जितेंद्र यादव, आरके एंड कंपनी संचालक जी। तो यहाँ पर जो किसान है जो मटर बेच रहे हैं, तो क्या रेट मिल रहा है इस टाइम पे? अभी इस समय मटर चल रहा है 10 रुपए किलो से लेके 15 रुपए किलो तक, क्विंटल की बात करें तो 1000 से 1500 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। चूँकि मटर एक बार पानी गिरने के कारण काफी संख्या में काफी रकम किसानों का खराब हो गया, फिर उनने सेकेंड टाइम मटर लगाया, अब वो आवक यहाँ पे एकदम से बढ़ गई है, जिसके कारण मटर की रेट 1000 से 1500 रुपए क्विंटल हो गए हैं। और जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेशन में ये मटर जाते थे, वहाँ पे भी लोकल मटर निकलना शुरू हो गया है, उस कारण यहाँ पे काफी रेट मटर में के रेट में काफी गिरावट आई है, इससे किसान परेशान है। और जहाँ तक मंडी की व्यवस्था की बात करें, तो मंडी के जितने भी अधिकारी हैं सारे निकम्मे हैं, सारे निकम्मेपन, जो अपने निकम्मेपन का अब मटर के सीजन में वो अपना निकम्मापन दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ मंडी गेट से लेके ITI तक जाम लगता है, इसका पूर्ण जिम्मेदार मंडी का सचिव है, जो आज तक, अभी तक हम लोग ने 2 साल हो गए उसकी शकल नहीं देखी कि हमारा सचिव कौन है। आप मंडी का मटर का सीजन शुरू हो गया कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, एक भी बार वो व्यवस्था देखने सचिव आए नहीं हैं, सचिव साहब एक भी बार व्यवस्था देखने नहीं आए। 20 रुपये बोरा अगर यहाँ से दूसरी मंडी में, किसी दूसरे प्रदेश की मंडी में जबलपुर कृषि उपज मंडी का मटर जाता है, तो 20 रुपये पर बोरा के हिसाब से वो लेते हैं मंडी गेट पे, नहीं टैक्स, वो टैक्स लेते हैं गेट पास के नाम पे। लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे अगर आप देखो तो यहाँ से मंडी गेट से लेके ITI तक जाम लगा रहता है, उससे किसान सही समय पे मंडी पहुँच नहीं पाता। अगर वो सही समय पे पहुँच जाए तो सही समय पे उसका मटर सही रेट पे बिक जाए, और जो लोडर हैं उनकी सही समय पे लोडिंग हो जाए और सही समय पे उनकी गाड़ियाँ पास हो जाए। एक्चुअली में होता क्या है, ऐसे मंडी गेट से लेके और करमेता गेट तक जाम लगा रहता है, इसका पूर्ण जिम्मेदार जबलपुर का यातायात प्रशासन और मंडी प्रशासन है, और बहुत हद तक नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार। नगर निगम प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है कि रोड के 5-5 फुट आगे तक कब्जा किए हैं कब्जाधारी, उनको अलग नहीं करता। दूसरा क्षेत्रीय बस स्टैंड है, सारी ट्रेवल्स की बसें जो रहती हैं वो मेन चौगड्डे से दीनदयाल चौगड्डे से जाती हैं, उस कारण यातायात में बहुत अव्यवस्था फैली रहती है। मंडी की, अगर मंडी प्रांगण के अंदर की बात करें, एक भी गार्ड नहीं है यहाँ पे, एक भी गार्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे अगर आप मंडी का रजिस्टर देखेंगे, मंडी का रजिस्टर देखेंगे उसमें कम से कम 100 से 150 गार्ड हैं, लेकिन एक गार्ड भी नहीं है। सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इसका जवाब सचिव उसको देना चाहिए। सचिव साहब एक भी दिन यहाँ व्यवस्था देखने नहीं आए, जो व्यवस्था कर रहा है वो यहाँ का व्यापारी कर रहा है, यहाँ का किसान कर रहा है, लेकिन मंडी सचिव को एक भी दिन यहाँ आने का टाइम नहीं मिला कि यहाँ अव्यवस्था का कारण क्या है, हम उसका पता तो करें, समाधान कैसे। 8-8 दिन तक यहाँ झाड़ू नहीं लगती, 8-8 दिन तक यहाँ सफाई नहीं होती है,
आठ आठ दिन सफाई नहीं होती है, और धूल तो इतनी है कि अगर कुछ मत पूछो धूल के बारे में। एक भी दिन यहाँ पर आए हुए हैं तो खुद ही समझ में टूट जाती, जो दो टो ब्रेकर हैं यहाँ पे वो ब्रेकर तक सही नहीं है इधर के। आए दिन यहाँ पे आए दिन झगड़ा की स्थिति बनती है, किसी गाड़ी ने किसी गाड़ी वाले को ठोक दिया, उसका नुकसान हो गया, वो हम लोग के पास आता भैया यहाँ ये हो गया यहाँ वो हो गया। हम लोग अपना धंधा करेंगे कि उनकी समस्याओं का निदान करेंगे? सचिव का अभी तक पता नहीं है कौन है सचिव यहाँ। सचिव साहब का नाम तो मालूम नहीं है, कोई महाराष्ट्रियन अभी अभी आए हैं, वो साल डेढ़ साल हुए हैं उनको, लेकिन ये आलम है कि नाम जब क्या जब अभी अरे जब उनका हम लोग ने चेहरा ही नहीं देखा, कभी परिचय नहीं हुआ हम लोगों का। उनके ऑफिस में जाओ, उनके केबिन में जाओ तो उनका चपरासी बस बैठा रहता, पंखा और लाइट चालू रहती है, सचिव साहब की कुर्सी हवा खाती रहती है। और इसके अलावा जो जबलपुर के मटर को एक ब्रांडिंग दी गई थी जबलपुरिया मटर के नाम से इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए, तो उसकी हकीकत क्या है? क्योंकि हम किसानों से जब बात करते हैं तो काफी दूर है वो। उसकी हकीकत केवल दिखावा है जी, उसकी हकीकत केवल दिखावा है। जैसे एक नारा था ना, न खाएंगे ना खाने देंगे, वो एक दिखावा था, वो मटर की ब्रांडिंग का एक केवल दिखावा है, केवल ये दिखावा है। उनने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिम्मेदार अधिकारी थे, वो आज तक पता नहीं उनका वो कहाँ है। और हर मटर के बोरे पे हम देखते हैं कि एक छोटा सा वो सफेद सा चिट लगा देते हैं, तो उस चिट लगाने से क्या किसानों को कोई फायदा होगा कि वास्तव में कुछ करना चाहिए किसानों को? नहीं, उससे कोई फायदा तो होता नहीं है। वो एक्चुअली में जो एक टैग लगा रहता है वो एक मार्कर है, एक ब्रांड है। उसमें हम लोगों को क्या होता है, जब किसान आता है तो उसमें हम पूछते उससे कि कितने का लाट है, बोलता 50 का लाट है, तो उसमें हम लोग 50 का लाट डाल देते, किसान का नाम डालते। वो उस चिट से कोई बेनिफिट नहीं है किसान का, या बोरी कोई महंगी सस्ती उसके रेट में कोई फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लगाते ही हैं, वो एक कंपनी का ट्रेडमार्क है, वो अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं बस, और कुछ नहीं। जो विदेशों में बेचने की बात हुई थी, कितने किसान ऐसे हैं जो विदेशों में बेचे जाते हैं? उसका जवाब तो आपको भारत सरकार के जिम्मेदार कृषि मंत्री देंगे या मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री देंगे कि आपने जबलपुर में मटर का हब होने के कारण, मटर का एक बहुत बड़ा हब है, ये आपको कृषि मंत्री बताएंगे और मध्य प्रदेश शासन के या भारत सरकार के, कि जबलपुर मंडी का एक हब है ठीक है मटर का। आपने किसान की आमदनी मटर के कारण दुगनी हो, जो बड़े बड़े भाषण दिए जा, उसके लिए आपने क्या किया? ये प्रश्न आपको जिम्मेदार मंत्री से या जिम्मेदार अधिकारियों से या जबलपुर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। उसका इसका जवाब वो आपको बहुत सटीक दे पाएंगे कि हमने उनके लिए क्या किया। उनने किया ना, हमने आपको जवाब दिया ना कि उनका अधिकारी मंडी सचिव आज तक मंडी में, डेढ़ महीना हो गया मटर का सीजन शुरू है, वो कितने बार यहाँ व्यवस्थाओं को सुचारू रूप करने के लिए आया, आज तक नहीं आए वो, आज तक नहीं आए। यहाँ कितनी टॉयलेट है आज तक नहीं आया, उनको नहीं पता नहीं। किसानों को पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं? किसान अपने घर से वाटर लेके आता है, हम लोग व्यवस्थाएं करते, एक हद तक हो पाती है व्यवस्थाएं, आप पीने का पानी कितना है? अदरक की गाड़ियां आती हैं, 200 रुपया लगते हैं अदरक की गाड़ी में पानी डालने के, 10 रुपया किसान भाइयों को बाथरूम या लेटरिन करने के 10 रुपया लगते हैं। तो ये आपको एक बार उनसे इंटरव्यू लेना चाहिए, मंडी सचिव से। हम लोग सीएम हेल्पलाइन में, जो सीएम साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया 181, वो एक दिखावा है, उससे आज तक कुछ हुआ नहीं। आपके न्यूज़पेपर में जरूर आता है, आज भी आया है कि जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं को समाधान करने में जबलपुर पहले नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और, हकीकत कुछ और है। ये न्यूज वाले जो है अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, और ये लोकल न्यूज से नहीं, राष्ट्रीय न्यूज चैनल तक ये काम कर रहा है। मीडिया है वो इन सारी चीजों में भी संलिप्त है। आपने भी आप एक चौथा स्तंभ हो संविधान के जी। आपने आज डेढ़ महीने बाद हम लोगों की सुध ली कि चलना चाहिए हमें मंडी, मटर के रेट इतने कम क्यों हैं? आपने कभी सुध ली नहीं ली ना? आज आपको डेढ़ महीने बाद इस चीज की याद आई ना कि चलो यार अपन चलते हैं आज। आप अभी तक कहाँ थे? उनको भी TRP बढ़ाना था, इस वजह से नहीं थे ना। ये भी हमारा प्रश्न है आपसे कि आप कहाँ थे? डेढ़ महीने हो गए हम लोगों को यहाँ जद्दोजहद करते हुए, डेढ़ महीने बाद आपको याद आई? या आपने किसी सरकारी मुलाजिम से या सरकारी अधिकारी से पूछा
कि ये अव्यवस्थाओं का कारण क्या है, नहीं पूछा आपने। आप भी अपना एक फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं, फॉर्मेलिटी निभाएंगे, कल एक न्यूज़ देंगे, एक पेपर में न्यूज़ देंगे, अव्यवस्था मटर के सीजन में किसान और व्यापारी भाई एक अव्यवस्थाओं का शिकार। बस अब भाई कुछ होना चाहिए। देखिए हम यहाँ के जो सचिव हैं तो कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, और जो आप लोगों की शिकायतें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन शिकायतों को लेकर के भी हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मंडी ये भी कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि हम लोग साथ में सचिव साहब से, हम व्यापारी 4-5 व्यापारी 10 व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल पहले मिल चुका है उनसे कि आपको व्यवस्थाओं को यहाँ पे सुचारू रूप से करना है। साल हर साल यहाँ मटर का सीजन होता है और अव्यवस्थाएं होती हैं।